जसवाल अभी पहुंचे हुए हैं खारी पुल के कनखी नदी के पास। यहाँ पे लगभग कई वर्षों से, यहाँ के पब्लिकों का कहना है कई वर्षों से, यानी लगभग 12 वर्षों से परेशानी झेलना पड़ता है और नाव से आते जाते हैं, और बाढ़ पानी का जब समस्या आता है तो बहुत ज़्यादा ही परेशानी होता है। और यही बगल के ताराबाड़ी एक गांव पड़ता है जिसमें लाखों की आबादी है, और उस आबादी जो है पूरा बाढ़ पानी में घिरे हुए हैं। और इन ये जो है अख्तरुल इमाम का यहाँ के विधायक हैं, जो कि अभी तक देखने के लिए नहीं आते हैं और ना ही कोई प्रक्रिया इसके बारे में सोचती है। आइए यहाँ के कुछ ग्रामीणों से बात करते हैं और क्या है राय, क्या परेशानी है जी। परेशानी तो बहुत है, परेशानी ही परेशानी है। 70 साल की ज़िंदगी में हम लोगों के बाप दादा ने सोचा नहीं था कभी कि ज़िंदगी में ये हमारे विकास होंगे या नहीं होंगे। पुरखों ने वो देख के गया और कुछ हो भी नहीं पाया, और अभी भी वही हाल है। 2007 का ये पुल लटकता हुआ पुल जो इतिहास गवाह है, और इतिहास के साथ साथ अगर आप देखें तो इस पुल की बहुत सारी कहानी है। आप इस पुल का जो टेंडर आया वो जो ठेकेदार है उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है, और ये 2007 का पुल अभी तक लटक रहा है। हम लोग ने एक आस बनाई थी बहुत ही उम्मीद के साथ, 35 साल यहाँ कांग्रेस का विधायक भी रह चुके और हमारे मस्तान साहब यहाँ से मंत्री भी रह चुके इस विधानसभा से। इससे पहले भी 2007 के बाद उसको एक बार मंत्रालय का ऑफर दिया गया था, मगर मस्तान साहब ने ठोकर मार दी थी, नहीं लिया था। फिर उसके बाद 2013 में वो मंत्री बनी। मंत्री बनने के बावजूद भी ये इलाका जैसन का तैसन है। कितने सालों से ये पुल यानी नहीं, लगभग 11 साल प्लस हो गया। 2007 का ये टेंडर, 2007 का है, 2007 का ये प्रोजेक्ट है और अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ है। ये जो है आप इनकी सूचना स्थानीय विधायक या सांसदों को किए हुए हैं जी? इसकी सूचना पहले जो है हमारे जो पहले यहाँ के जो विधायक थे, सांसद जी तो बहुत कुछ दिन बाद वफात हो गए। फिर उसके बाद हमारे डॉक्टर जावेद साहब आए। जावेद साहब का तो कहे मत, मैं अगर कहूँ कि मिसिंग है जावेद साहब इस विधानसभा लोकसभा में, मिसिंग है वो। मिसिंग का मतलब ये नहीं कि हम लोग ढूंढ रहे हैं मिल नहीं रहा, मगर सांसद की बात ही छोड़ दो, विधायक की बात अगर मैं करूँ तो यहाँ पर विधायक जी जब पहले रहे तो उन्होंने कभी जा करके ना इसका असेंबली में बात उठाया गया, ना ही इसके बारे में चर्चा किया गया। और जब 2020 में हमारे अख्तरुल इमाम जब यहाँ से जीते, अपार वोट से जीते, वो जा करके उसके साथ मैं, मुझे भी कुछ जाना हुआ। मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, मेरा एक सोशल ये है, सोशल सर्विस, मैं बहुत सारा काम करता हूँ, लोगों को पटना एम्स ले जाना, IGMS ले जाना, महावीर ले जाना, ये मेरा काम है और मैं करता हूँ इस चीज़ को। तो मैं जाकर के पटना में कुछ दिन रहा, जो जाके देखा उसके साथ, तो उन्होंने वहाँ जाकर के जब लिखित में दिया तो कहा कि 11 साल तक ये पुल नहीं बना, तो वहाँ पे भी बड़ा आश्चर्य रहा वो कि 11 साल तक पुल नहीं बना और अभी तक किसी ने नहीं कहा आकर के, ये बहुत ही दुर्भाग्य वाली बात है। तो वहाँ से फिर जो है पटना से कुछ सर्वे टीम आई थी, सर्वे करके गई है। अब 2022 में देखें क्या हो रहा है। 11 साल से जो चल रहा है ये सिलसिला, तो यहाँ पे कितने नाव जो है कि आते हैं और जाते हैं, कितने नाव है, नाव की संख्या कितनी है? नाव की संख्या तो एक ही है, दो नाव तो डेली चलाना पड़ता, मगर इसमें नाव की संख्या कमी, एक छोटी नाव है जिसमें उसमें बहुत ये बाढ़ पहाड़ बड़ा हो जाता है तो उसमें वो इसको नहीं देता रिक्स है। SGRF टीम और बड़ा वाला जो होता है, SGRF टीम बड़ा वाला जो होता है तो बड़ा वाले में थोड़ा आदमी ज्यादा आता है, तो ये दिन भर में 2-3 चक्कर लगाते हैं, ज्यादा नहीं लगा पाते हैं इसमें। कितने उसमें लगभग सवारी इस पार कर लेते हैं एक बार में? एक बार में लगभग 80-90 से ज़्यादा सवारी उसमें सवार करते हैं। बगल में कुछ कटाव का कार्य चल रहा है तो उसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ, कटाव का कार्य मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो है लोग जब परेशान हो गए थे, गांव वाला जब परेशान हो गया कि जब पुल जब हमारे लटक रहे हैं तो इसको कैसे क्या किया जाए, तो बीच में धार बनाने की कोशिश की। शायद आपको मैं वह वीडियो भी, आपको आपके पास वीडियो भी है वो आप देख लेंगे, वहाँ पे धार बनाने की कोशिश की, किसान आकर के फावड़ा से कुदाल से उसको काटने का कोशिश किया, मगर जहाँ मशीनरी काम है वो कुदाल और फावड़ा से नहीं हो सकता है, मगर आने वाला वक्त में इसको रास्ता जो है चीड़ करके इसको पुल के बहाव में अंदर लिया जाएगा, उम्मीद तो है। आपका परिचय जी? मैं खाजा हरमुज हरिपुर पंचायत के समाज सेवी हूँ, मैं लोगों के लिए भला करना चाहता हूँ, करने की सोच रखता हूँ। चलिए आइए बात करते हैं यहाँ के कुछ
पैसेंजर जो कि नाव से चलकर अभी आए हुए हैं उनसे बात करते हैं कि किस तरह का सामना करना पड़ रहा है इन लोगों को। क्या चाची कैसे सामना किए? कैसे आते हैं आप लोग यहाँ? यहाँ कैसे आए? परेशानी से आते हैं। कहाँ हुआ आपका घर? कहाँ? खपरा। यानी पैदल आते हैं? पैदल आते हैं, उसके बाद फिर नाव में आके टाइम लेते हैं, करते हैं 2-4 घंटा। नाव के लिए कितना इंतजार करना पड़ता है? क्या कि एक ही नाव है और पूरे ताराबाड़ी खपरा टोटल आदमी यही नाव से चलते हैं। अब कितना एक नाव के लिए इंतजार आप लोग कितना घंटा करते हैं? 2-3 घंटा। सरकार से आप क्या मांग कर रहे हैं? पुल बना के दे। कभी अगर कोई अनहोनी घटना हो जाती है यहाँ, किसी को अगर डूब जाते हैं पानी में, क्या SDRF टीम जो आते हैं बचाने के लिए वो कभी आए हैं यहाँ? बताइए। 8 बजे मानुस, अब 3 बजवा जहाँ अभी नहीं कोई अपना घोर जवार, कोई अभी समाचार नहीं भेजे कन्ने अपना घोर जाम, तो कता खुरी परेशानी छे, कता खुरी पब्लिक को परेशानी छे। नार पर पार हर बाधा तो खुरी पानी पीछे 8 बजे मानुस अभी भूखा प्यासिल छी अभी एछन लावर पर। क्या इनकी सूचना जो है आप लोग स्थानीय विधायक या किन्हीं से किए हुए हैं? तो अभी पुल आते हैं देखने के लिए आते हैं? कुछ नहीं। इला भांसे जाए घोर घर रखे जेल, भांसे जाए कुछ नहीं। कहां घर पर था? यहां चनकी मोर पूरा हवेली घर रखे जेल, देखिए जेल, मगर कुछ नहीं। वार्ड नंबर कितना? वार्ड नंबर 4 है। पूरा हवाली 3 घंटा फेरत वही छन मोनी छन मोनी वो देखेलो आ सके इस वही छन घर रखे जे। क्या नाम हुआ आपका? हमार नाजरा। नहीं देखा तुम अभी मोनी छे एकदम रेडी। आज हम लोग खड़े हैं खारी ब्रिज, जो खारी ब्रिज यहाँ देख रहे हैं वो लोग यहाँ पर सभी बीटोला खारी भेज बतला के सभी लोग आए हुए हैं और उन लोगों का प्रयास है। इस नौजवानों का हौसले और जज्बात को हम पहले सबसे पहले सलाम करना चाहते हैं, क्योंकि इन लोगों ने वो काम करने का एक जज्बा अपने दिल पर लेकर के कोदाली और जो भी हथियार हो सका वो लोग लेकर के यहाँ आया है। और इन लोगों का कहना है कि जैसे दशरथ मांझी ने पहाड़ खोद के एक सड़क बनाया था, उसी तरह से हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि खाड़ी ब्रिज के अंदर से जो है इस नदी को फंसाने के लिए लोग प्रयास कर रहे हैं। ये इससे फायदा और नुकसान ये है कि सबसे पहले ये जो गांव हम लोग मिटोला महेशपत्ता और खाड़ी का देख रहे हैं, ये गांव चूँकि नदी से बिल्कुल विपरीत दिशा में पुल जा चुका है, जिसके कारण मैं नदी पूरब की ओर चली गई है, जिसके कारण हजारों घर परिवार लोगों के कटने के कगार पर है। इसीलिए हम लोग पहले भी प्रशासन से मांग किए थे कि इस पुल के अंदर से इस नदी को डायवर्ट किया जाए, लेकिन सिर्फ जैसे कि आप लोग देखेंगे, मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप सिर्फ कैमरा एक इधर घुमाइए और ये दिखाइए कि सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर या ऑलमोस्ट 50 मीटर की दूरी पर ये सीधे करके अगर पुल को अगर नदी को घुसा दिया जाए तो जैसे चंकी कट रहा है, ताराबाड़ी कट रहा है, मिटोला महेशपत्रा कटने के कगार पर है, खाड़ी कगार पर है, ये लोग बच जाएगा, लेकिन प्रशासन बिल्कुल मौन है और ये चाहती है कि नदी के ऊपर और जो है पाया बढ़ा करके पूरब की ओर चले जाए। लेकिन पूरब की ओर चले जाने से जो गांव परिवार के लोग जो अपने पक्के मकान और जो है सुनहरा अपना सपनों का घर जो बनाया है वो आशियाना जो है लोगों का नदी में विलीन होने का खतरा है। इसी जज्बात के कारण जो है इन नौजवानों ने जो है अपने बारिश और बाढ़ का मौसम को नहीं देखते हुए अपने आप को जो है ये लोग यहाँ पर आ गए हैं और अपने जज्बा और जोश हो चाहे इसका परिणाम कोई भी, लेकिन सरकार से मेरा कहना है, सरकार से ये मेरा गुजारिश है कि इन नौजवानों के हौसलों को देखते हुए आप लोग इस नदी को बिल्कुल डाइवर्ट करने का कोशिश करें। अगर डाइवर्ट नहीं होता है, इन लोगों का प्रयास है, हम दुआ करते हैं कि इन लोगों के प्रयास में नदी जो है बीच में से निकल आए और बीच में से निकलने का कारण यही होगा कि ये गांव तभी बच पाएगा, नहीं तो अन्यथा गाँव बिल्कुल। अब इजहार साहब हैं यहाँ पर, ये लोग भी आप लोग बताइए आखिर आप लोग क्यों आए हैं यहाँ पर? नदी काटने के लिए आए हैं, इधर जो 4-5 गांव है खतरे में है, इसलिए हम लोग इधर आए हैं कि अपना जान बचाने के लिए, गांव बचाने के लिए सभी खुदाली लेके आए हैं इधर, इसलिए कि नदी पुल के नीचे आ जाए और हम लोग उधर खतरा से बच जाए। यानी दशरथ मांझी ने जो संकल्प लिया था अकेले मरने
हेलो क्या बात है क्या मुखिया जी क्या हो रहा है? टेलीग्राम चल रहा है, परिसर साहब कुछ बोलिए। हम लोग नदी को पुल के नीचे डाइवर्ट करने का काम कर रहे हैं। ए लगातार 3-4 दिन से कर रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है कि यह नदी को पुल के नीचे लेके आना। खारी रस्सी से लटका हुआ लंबित है, इसका कारण ये नदी का मुड़ जाना है, जिसके कारण ये जो है पुल आज डाइवर्ट हो गया। जल सत्याग्रह का नाम आप लोगों ने सुना होगा। जल सत्याग्रह जीवन बचाने के लिए किया गया था, या जल जो जीवन बचाने के लिए, लेकिन हमारे इस सीमांचल में जल ही जीवन को बचाने के लिए। इसी तरह का उद्देश्य हम लोग आए हैं कि ये पुल के नीचे अगर किया जाए, इस नदी को डाइवर्ट करके, कि आवागमन भी सही होगा और जो लाखों लोग जो इस पार है या इस पार है, जो जिला मुख्यालय या प्रखंड मुख्यालय को नहीं जा पाते हैं, तो यहाँ से वो लोग भी जा पाएंगे। और अप्रोच अगर कंप्लीट हो जाता है, बोल्डर अप्रोच, तो जो सैकड़ों घर है, जो ग्रामीण है, जो गांव कटता है, लोगों के आशियाने जो अभी क्या है? मतलब पुल से कितनी दूरी, मतलब क्या कहते हैं, नदी में भाग गई है? आप लोग भी देख सकते हैं, आप लोग पत्रकार बंधु भी देख सकते हैं कि यहाँ से जब आए हैं तो आप मात्र सिर्फ 200 से 300 मीटर की दूरी पर होगा ये नदी, जो कि अगर यहाँ से जिस पैलेस पे हम लोग खड़े हैं, अगर यहाँ से सीधे चीर दिया। ऐसे ही खबरों के लिए करें SE24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।